जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:40 हो गई है, 22 तारीख है, इवनिंग की 8:40 हो गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब आज ये कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के लिए थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। पहले एक बार स्क्रीन देख लेते हैं, स्क्रीन पे क्या आज हुआ था मार्केट में। वैसे तो मैंने आप लोग को लास्ट में एक वीडियो बना दिया था कि कल के लिए कॉल लेके जाइए, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए नहीं बोला था, क्लियर कट बोला था ऐसा वीडियो में। तो मुझे कल एक बार मार्केट 732 से लेकर 750 तक स्पॉट निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। अभी 629 पे क्लोज़ हुआ है, 629.80 पे क्लोज़ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल हम लोग एक बार 732 से लेके 750 तक जाएंगे। देखिए, आज एक पॉजिटिव बताता हूँ, स्क्रीन से आपको सिखा देता हूँ। देखिए, 747 का हाई है, लेकिन 542 का लो है, और लास्ट ट्रेड अपने लो से 110 पॉइंट ऊपर हो रहा है। ये अपने आप में सबूत है कि कल निफ्टी तेज रहेगा। बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू 218, 721, 500 नीचे। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश साइड में है और निफ्टी थोड़ा बुलिश साइड में, तो मिक्स व्यू है, लेकिन पॉजिटिव और निफ्टी, ठीक है, फॉर टुमोरो ओनली। चलिए, अब ये तो स्क्रीन की हो गई बात, अब हम सीधा चार्ट पे आ जाते हैं, आज के चार्ट पे। तो ये आज का चार्ट है, क्लियरली आज भी एक स्पिनिंग टॉप बना है, कल भी एक स्पिनिंग टॉप बना था, परसों एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी थी। तो आप 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से या 4 दिनों से भी बोल सकते हो, या पिन बार बना, एक हैमर बोल सकते हो इसको, पिन बार हैमर, उसके बाद एक शूटिंग स्टार, उसके बाद एक बियरिश स्पिनिंग टॉप, और आज एक बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये पिछले 4 दिन की कहानी है, और पहला दिन जो आपको पता ही है, मंडे वाला दिन, तो वहाँ पे भी 4 ही दिन हुए, ये तो फ्राइडे था, तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। तो मंडे को एक ये बनाया था, दो कैंडल से मैंने आपको बताया भी था, काउंटर अटैक कैंडल आई, और ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, तीनों दिन आप देख सकते हो ऐसी ही कैंडल बनी। कोई भी कैंडल, चारों कैंडल में बॉडी का बहुत ही कम अंश है। जैसे इस कैंडल में बॉडी बॉडी है, वीक नहीं है, इस कैंडल में बॉडी बॉडी है, वीक नहीं, इस कैंडल में बॉडी बॉडी है, वीक थोड़ी सी है, यहाँ वीक ही वीक है सब में, और बॉडी छोटी सी है। तो ये अपने आप में, जब भी बॉडी छोटी होगी कैंडल की और वीक ज़्यादा रहेगी, तो ये अपने आप में एक इनडिसीजन होता है, यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कन्फ्यूज है बायर्स एज वेल एज सेलर्स, ये इसका तात्पर्य होता है। अब डाउन साइड में अगर ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता, तो ये रिवर्सल का भी साइन होता है। तो हो सकता है कल हम सरप्राइजिंगली, अभी डाउ फ्यूचर्स तो मेरे ख्याल में लो माइनस में चल रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स देख लेते एक बार, फ्यूचर्स दिखा देता हूँ आपको, डाउ जोन्स का 164 पॉइंट माइनस में, 156 चेंज होते रहता है, तो फिर चेंज हो जाएगा 155, 160 पॉइंट हम लोग माइनस में मान लेते हैं, 160। फिर भी मुझे लगता है कल एक, हम शायद कल एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे, शायद कल हम गैप अप या आज के हाई के नज़दीक ओपनिंग कल देखेंगे। आज का हाई कितना है, 722। आपको सरप्राइज होगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ इसमें मेरे टेक्निकल लॉजिक है, इसके कारण बोल रहा हूँ। देखिए, डाउ जोन्स आपको दिखा दिया मैंने, 160 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है। SGX निफ्टी भी दिखा देता हूँ यार, टाइम भी आप देख लीजिए, अब 8:45 हो गई, 8:40 पर मैंने स्टार्ट किया था, तो SGX निफ्टी भी दिखा देता हूँ। मुझे कल एक गैप अप ओपनिंग लग रही है, निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। हाँ, 550, ये तो 90 पॉइंट माइनस चल रहा है, SGX 90 पॉइंट माइनस आपके सामने है, डाउ जोन्स 164। मुझे लगता है रात को डाउ जोन्स 250-300 प्लस हो जाएगा,
रात को, देर रात को आप लोग चेक करिएगा, 300 पॉइंट से ज़्यादा प्लस होना चाहिए डाउ जोन्स आज, ठीक है। और वेबिनार के लिए ज्वाइन कर लीजिए, आपसे विनती है, मौका नहीं मिलेगा, फिर 3 महीने के बाद ही होगा अगला, है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मार्केट ये लेवल पे सपोर्ट लेगा कल, अगर नीचे आया भी तो। ये लेवल क्या आता है, 488, 488 के आसपास कल सपोर्ट ले लेगा अगर नीचे आया, जो कि मुझे नहीं लगता नीचे आएगा कल, शायद यू टर्न मारेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये टारगेट बनता है निफ्टी का आने वाले 200 के ऊपर का दिख रहा है। ये एक देखिए एक चैनल है, ऐसा चैनल है, अभी हम यहाँ से ये इसको डब्लू बनाते हुए यहाँ तक जा सकता है। ये लेवल क्या है, 18100 के करीब जा सकता है, ऐसा एक चांसेस दिखता है, ठीक है। लेकिन कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरा व्यू तो बियरिश है एक्चुअल में तो, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा एक सरप्राइज मूव लगता है। आपके सामने 90 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी माइनस है, 160 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस है। चलिए आज वीकली चार्ट इसलिए देखना चाहिए कि कल वीक वीक भी ख़त्म हो जाएगी, तो वीकली चार्ट में कोई सिग्नल मिल रहा है क्या? वीकली चार्ट आप देखो तो अभी भी एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना रहा है, या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ नीचे वाली वीक काफ़ी छोटी है, ठीक है। अब अगर कल लो के नीचे क्लोज हो जाए तो शूटिंग स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई ज़्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है, ओके। वीकली में भी हम जस्ट इस लाइन के टच पे हैं, करेक्ट। अच्छा एक बार बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देख लेते हैं, फिर मैं और बाकी की बात भी करूंगा आज। तो मैंने तो अपना निर्णय बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एक अहम शूटिंग स्टार सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया। वीकली चार्ट है क्या? अच्छा ये वीकली है, वीकली में तो सिग्नल दे रहा कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी बहुत गिरने वाली है, वीकली में ऐसा ही सिग्नल आ रहा है। लेकिन कल वीकली चार्ट बनने के बाद में परफेक्ट होगा। आज यहाँ पे एक बियरिश स्पिनिंग टॉप बना लेकिन डाउन साइड में बना, तो ये भी एक रिवर्सल का साइन है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जब तक इस कैंडल के नीचे हम क्लोज नहीं करें, इस कैंडल के लो के नीचे, तब तक मैं मंदी नहीं बोलूंगा बैंक निफ्टी में। वो है 40,280। आप देखो उस दिन जो मारा था 40,280, कौन से दिन? जिस दिन वो यूएसए में सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा के बाद हमारा मार्केट खुला और हमने यूएसए 1300 पॉइंट गिरा, हम नीचे खुले लेकिन बहुत ऊपर लेके गए। तो अभी तक वो लो नहीं काट पाया बैंक निफ्टी, बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली देखा जाए तो। खाली आज इसने वीक परफॉर्म किया, लेकिन अब पिछले 4 दिन की आज लोवेस्ट क्लोजिंग भी आई है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, आज पिछले 4 दिन की लोवेस्ट क्लोजिंग भी आई है। इनफैक्ट ये 4 दिन की क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 दिनों की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है, पिछले 60 ट्रेडिंग डेज की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है। यहाँ पे क्या क्लोज है, 4574, यहाँ पे है 62। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नहीं, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7 पिछले 8 दिनों की, आज का मिला के 8 दिन हो गए, पिछले 8 दिन की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है, लोवेस्ट। उसके बावजूद हम
इस 280 पे नहीं आ पाए, समझिएगा बात। आज पिछले 8 दिनों की लोवेस्ट क्लोजिंग है, उसके बावजूद वी डिड नॉट रीच 280, द लो विच वॉज मेड ऑन 14th of September, 13 तारीख को आपको पता है वेट फेड का और रात को सीपीआई का डाटा आया था, उसके बाद डाउजोन्स तो धराशायी हो गया था 1300 पॉइंट। इनफैक्ट डाउजोन्स 1600 पॉइंट गिरा था, क्योंकि उस दिन वो 300 पॉइंट प्लस भी चल रहा था। उसके बावजूद हमने एक पॉजिटिव बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई के मतलब 600 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दी हमने उस दिन, और आज तक उस लो को बैंक निफ्टी छू नहीं पाया। आज भी 360 गया लेकिन 280 को नहीं छुआ, 280 जो उस दिन लो बनाया था उसको नहीं छुआ। तो एक्चुअली देखा जाए तो घूम फिर के ये वहाँ तक आया, अब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, चांसेस बहुत ब्राइट है। इसको शॉर्ट तभी करना जिस दिन आपको 280 ब्रीच हो जाए और वो भी क्लोजिंग हो जाए, तो आप इसको जम के शॉर्ट करना, फिर मैं मना नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा फिर मेरा टारगेट ही सीधा आ जाएगा, पहला टारगेट ही आ जाएगा सीधा 39,770, पहला टारगेट आ जाएगा, और सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा 39,200। लेकिन ये ब्रीच होने दीजिए, अभी भी ये घूम सकता है, स्ट्रांग है, याद रखिएगा। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कल सरप्राइजिंगली तेज़ी करे, आज लोवेस्ट क्लोजिंग दिया लेकिन उसके बावजूद आप देखो इस बक्से में अगर आप बक्सा बना लेते हो ऐसा, ये बक्से में चल रहा है ना मार्केट, इनफैक्ट ये कैंडल भी उसमें आएगी, ये सारी इस बक्से के अंदर ये लोवेस्ट क्लोजिंग होते हुए भी इस लो को नहीं तोड़ा है, जो एक इम्पॉर्टेंट है 280 का लो, ठीक है। तो चांसेस है वापस इस बक्से के हायर एंड को छूने जाए, कल के लिए नहीं बोल रहा हूँ ओवरऑल। अब जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और एक स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल होता है, चाहे रेड कलर का बने चाहे वाइट कलर का बने, मतलब ग्रीन, आपके आप अगर इन्वेस्टिंग में देख रहे हो तो वहाँ ग्रीन होता है, मैं चार्टिंग में देखता हूँ यहाँ पे वाइट और रेड होता है, वाइट मतलब बुलिश क्लोजिंग, रेड मतलब बियरिश क्लोजिंग, ठीक है। जब भी ओपनिंग से क्लोज ऊपर होगा वाइट कलर की कैंडल बनेगी या ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, जब भी ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे होगी रेड कलर की कैंडल। तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक भी वापस जा सकते हैं, और अगर इसको ब्रीच किया तो फिर इसमें इतनी फॉल कंफर्म आएगी, कितनी 41,840 माइनस 280, 41,840 माइनस 40,280, 1560 पॉइंट की फॉल तो फिर गारंटीड हो जाएगी जिस दिन ये 280 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर देगा। 40,280 के नीचे अगर दो बार क्लोजिंग आ गई कंसेक्यूटिवली रेड कैंडल से, तो आप मान के चलिए ये वहाँ से 1500 पॉइंट इजीली गिरेगा, इजीली, वेरी इजीली। 40,280 से 1500, 40,300 से गिन लेते हैं, 1500 पॉइंट कितना होता है 38,800, ये आपका टारगेट रहेगा, ये करेक्ट, ये टारगेट पे आपको फिर ला दे गई, यहां तक ला देगा अगर ये बॉक्स के नीचे क्लोज किया, मुझे लगता नहीं कल करेगा, क्योंकि ये अभी तक इस लो को क्यों नहीं काटा, आज काट सकता था, जब 360 गया तो 280 तोड़ देता, अच्छा 280 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया, देखिए 9 तारीख को भी 280 का ही लो था, 9 तारीख को भी 280 का लो था और 14 तारीख को भी 288 का लो था, तो 280 आपका फाइनल फिगर है जिसके नीचे जाते ही बैंक निफ्टी जय श्री राम कर दीजिए उसको, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए 360 का आज लो बनाया,
इस 280 से नीचे नहीं बना। इनफैक्ट 288 जो उस दिन का लो था वो भी नहीं कटा। इसकी वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, इसकी वीकली तो देखा था, सॉरी वो रिवर्सल का साइन दे रहा है। यहाँ तो शूटिंग स्टार ही बन रहा है, अगर कल नीचे ही क्लोज होता है तो शूटिंग स्टार कंफर्म हो जाएगा, बियरिश शूटिंग स्टार, ठीक है। तो ये फिर बड़ी मंदी का सिग्नल दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसे भी आ सकते हैं, इतने लेवल पर भी आ सकते, 35,500 तक भी ला सकते हैं। फिर अगर यहाँ से रिवर्सल, एक कैंडल वीकली कैंडल इसके नीचे रेड क्लोज हो जाए, ऐसी वाली इसके लो के नीचे क्लोज हो जाए, तो वो नेक्स्ट वीक की बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट। आप देखिए इन्वेस्टिंग में मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये आर्क बनाया मैंने, आर्क देखिए राउंडिंग टॉप की तरह चल रहा है डाउ जोन्स बॉटम। तो डाउ जोन्स ऐसा हो सकता है कि 27,000 तक आए आने वाले दिनों में, लेकिन टाइम पास कर करके, कैसे कैसे टाइम पास करेगा, देखिए ऐसे फिर से ऐसे ऐसे जाएगा, इधर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे करते करते वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर कट एक राउंडिंग आर्क बना हुआ, देखिए आप भी ड्रॉ करके देख सकते हैं उसको। ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है, एक बार तो वापस 31,000 के करीब जाएगा ही जाएगा। अभी कितना 31, ये कितना है 31, 200-300 तक तो जाएगा ही, नहीं 31,500 तक एक बार जाएगा। आज कितना चल रहा है अभी देख लेते हैं, अभी कितना चल रहा है, आज का कैंडल देख लेते हैं। आज की कैंडल है 30,051 का लो बना दिया अभी तक फ्यूचर ने, तो मुझे लगता है ये 31,400 तक तो जरूर जाएगा, 31,200 तक एक बाउंस डाउ जोन्स में आपको ड्यू है। आज मुझे लगता है पॉजिटिव बंद होगा, अभी तो नीचे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा चार्ट खोलता हूँ, लक्ष्मण रेखा वाला, ये आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ, इसमें मैं थोड़ा लाइंस नई ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने आज आपको वीडियो के दौरान भी बताया, देखिए इसके अंदर ग्रीन ड्रॉ हुआ है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बिल्कुल इज्जत से इस पॉइंट को टच करते हुए बनाई, ये कैंडल भी इसके अंदर हुई, ये कैंडल भी इसके अंदर हुई। देखिए एक तो वेज है, वेज का ब्रेकडाउन आ चुका है, तो आपको 16,800-16,900 आने से कोई रोक नहीं सकता निफ्टी को, आएगा जरूर, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए 16,800-16,900 या उससे नेक्स्ट वीक में आए, क्योंकि देखिए ये वेज मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया, इसका ब्रेकडाउन आ चुका है और ये रिटेस्ट करने भी चला गया था ऊपर, वापस से नीचे आ गया। अब ये क्या करेगा, इस एंड को छुएगा कल, ये एंड कितना आ रहा है 17,733। मैंने आपको सुबह शुरुआत में वीडियो में ये बोला कल 733 से, और अगर इससे ऊपर निकला भी तो यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको 853, आप लिख लो। इस लेवल को पार करना बहुत मुश्किल है क्लोजिंग बेसिस, तो ये कल 733 के लिए तैयार हो जाइए, मुझे लगता है आएगा। आज की क्लोजिंग कहाँ पे है 629, 100 पॉइंट कल तेजी मिलेगी आपको, और 735 के ऊपर अगर 10-15 मिनट टिका तो एक बार ये कोशिश करके 840-800 तक जाने की कोशिश करें, 800 तक। मैं यहाँ तक की कल बात कर रहा हूँ, ये देखिए हायर एंड को छुआ, हायर एंड को छुआ, अब लोअर एंड को छुआ, अब हो सकता है वापस हायर एंड को कल छू दे, और हो सकता है इस लाइन को भी छूने जाए। ये लाइन कहाँ से ड्रॉ किया, जो जहाँ ये
जहाँ ये राइजिंग वेज टूटा था वहाँ एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, हाँ हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल तो नीचे होती है ना, ऊपर नीचे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन का 850 का आसपास का लेवल है, इसको पार भी किया तो ये लेवल बहुत ही खतरनाक है, जो 50% उस दिन की कैंडल का है। ये है 932, मुझे याद है, फिर भी मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। देखिए 932, तो फाइनल रेजिस्टेंस 932 है। एक बार फिर से 932 विजिट हो सकता है एक दो दिनों में, और वहाँ से बड़ी गिरावट के लिए 1000 पॉइंट की गिरावट मिलेगी आपको, ये मुझे लगता है। और अगर कल किसी भी कारण से कल अगर मंदा होना भी है तो मार्केट को कल 497 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अगर मार्केट को रियल में कल मंदा होना है, और मेरा टारगेट मंगलवार तक ही ला देना है जो 16900 से 17200 के बीच का है, 900 16900, तो कल आपको 497 के नीचे की क्लोजिंग चाहिएगी। क्यों? ये जो स्लांटिंग डाउनवर्ड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, और ये एक जो मैंने सीधी लाइन टानी है, उनका मीटिंग पॉइंट है 497, नहीं 17500, एग्जैक्टली 17500, इसके नीचे कल क्लोजिंग चाहिए। अभी आपका SGX भी वैसा ही दिखा रखा है, SGX रुकिए वापस से देख लेते हैं। ओहो, और घट गया, 92 पॉइंट माइनस हो गया, 547। डाउ जोन्स फ्यूचर भी देख लेते एक बार, 92 पॉइंट माइनस हो गया, ये तो कल मेरी वाट लगाएगा। मैंने तो आप लोग को कॉल बाई करने बोला, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, मैंने बोला एग्रेसिव तब बाई करिएगा उस वीडियो में कि अगर 665 के ऊपर क्लोज करें, क्योंकि आज भी हमने लो के नीचे ही क्लोज किया। डाउ जोन्स 200 माइनस हो गया, आप देखिए अभी 160 देखा था हमने। चलिए देखते हैं, मेरे को तो लगता है आज रिकवरी आएगी उसमें। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।